इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मालूम ये करना चाहते हैं कि नातखां हज़रात आजकल इस तरह से मामला करते हैं कि किसी शायर का कलाम पढ़ते हैं और उसके आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस यानी उसका नाम हटाकर अपना नाम जोड़ देते हैं, और बाज़ नात पढ़ने वाले इस तरह भी करते हैं कि कलाम में से आखिरी शेर मुकम्मल तब्दील कर देते हैं और अपना आखिरी शेर अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा करना मुनासिब है? जवाब इसका ये है कि किसी भी शायर का कलाम पढ़ना और उसको इस अंदाज़ से पढ़ना कि उसके आखिरी शेर यानी मक्ते में शायर का तखल्लुस हटाकर अपना नाम जोड़ देना या फिर मुकम्मल पूरा मक्ता ही बदल देना, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और असल में ये मुसलमानों को धोखा देना है, और मुसलमानों को धोखा देना ये हराम है। अगर कोई नातखां किसी दूसरे शायर का कलाम लेता है और उसमें उसका निक नेम यानी उसका तखल्लुस बदल कर अपना नाम डालता है या पूरा मक्ता चेंज करता है और मक्ते में अपना नाम इस्तेमाल करता है, तो यकीनन सुनने वालों को यही गुमान होता है कि ये कलाम शायर का लिखा हुआ है, यानी पढ़ने वाले नातखां का ये कलाम लिखा हुआ है, जबकि ये बात हकीकत से परे होती है। तो इसको एक किस्म से लोगों को धोखा देना कहते हैं, और ये हरकत अपनी अज़मत को लोगों के दिल में बैठाने के लिए की जाती है कि जिनको नाते पाक लिखना नहीं आती तो वो इसका आसान रास्ता यही निकालते हैं कि किसी और मशहूर मारूफ का ऐसा कलाम कि जिसके लिखने वाले का नाम लोग ना जानते हों लेकिन कलाम पहले से मशहूर हो, तो ऐसी सूरत में नातखां उसमें से अपना मक्ता बदल कर अपने नाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि सुनने वालों को लगे कि ये हमने लिखा है, यानी अपनी झूठी अजमत और शान लोगों के दिल में बिठाना होता है और मुसलमानों को धोखा देना होता है। हरगिज़ हरगिज़ इस तरह से काम नातखानी में नहीं लेना चाहिए। अलबत्ता इसमें इतना ज़रूर है कि अगर किसी नातखां ने किसी शायर का कलाम पढ़ा और उसमें मक्ते में उसका भी नाम लिया और फिर बतौर आजीज़ी अपना भी वहाँ शेर में नाम लिया, तो ये सूरत दुरुस्त है, इस तरह किया जा सकता है, यानी दोनों के नाम ले, ओरिजिनल लिखने वाले का भी उसमें जो नाम लिखा था शायर ने वही नाम ले और फिर आखिर में उसका नाम बदल कर अपना नाम भी जोड़ना चाहे, तो इस तरह से करने में हर्ज नहीं है। और नातखां हज़रात आजकल इस तरह भी मामला करते हैं कि कलाम भी इस तरह से लिखते हैं, हालांकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने नातखानी को यानी नात पाक तहरीर करने के लिए बहुत सख्ती के साथ मना फरमाया है कि नात पाक लिखना एक तलवार पे चलने की बराबर है, कि इसमें इधर भी ख़तरा और उधर भी ख़तरा, मतलब ये कि अगर मोहब्बत रसूल में ज़्यादा बढ़ा दिया मकाम हुजूर अलैहिस्सलाम को तो ऐसी सूरत में शिर्क का अंदेशा होगा, और अगर नात लिखते वक्त किसी दूसरी चीज़ से तशबी देकर हुजूर की शान को घटा दिया तो माज़ अल्लाह ऐसे में अज़मत मुस्तफ़ा पर एक हर्फ आएगा और उनकी अज़मत जो है वो कम होगी, तो ये भी दुरुस्त नहीं और वो भी दुरुस्त नहीं। लिहाजा नातखां के जिनको शायरी नहीं आती उनको चाहिए कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दीगर उलमाए अहले सुन्नत बुज़ुर्गान दीन के कलाम ही पढ़े जाएं और उन्हीं नाते पाक को आवाम में सुनाया जाए। आजकल ख़ुद लिखने का भी ज़्यादा ट्रेंड है, और वो भी ऐसे नाअहल लोग कि जो अकायद की बुनियादी बातों से भी वाकिफ़ नहीं होते, जो अकायद तक का इल्म नहीं रखते, वो भी नाते पाक लिखने लगे, हालांकि इस तरह से उनको लिखना ये जायज़ नहीं है, आला हज़रत ने इसको सख्ती के साथ मना फरमाया है। लिहाजा इस तरह से लिखने से पहले मुकम्मल शरीयत की तालीम हासिल कर लेनी चाहिए, खुसूसन अकायद से आगाह होना चाहिए
कि नबी अकरम के बारे में जो बात लिखेगा कहीं वो, क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें बाज़ मरतबा ख़ुद लिखने वाला अगर कम इल्म हो तो उसको इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो कभी कभी लिखने में शिर्क कर देता है। और ये बात मैं कोई मुबालगा से अर्ज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कसरत के साथ मेरे पास इस तरह के अशआर आते हैं सवालात की सूरत में कि लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या ये शेर सही है, और हालांकि वो शेर शिरकिया होता है। तो इसलिए मुझे इसका तजुर्बा है कि लोग इस किस्म के शेर लिखते हैं कि जो मोहब्बत के नाम पर शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। और कभी इस तरह भी शेर आते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नात लिखने के चक्कर में लोग उनकी ज़ात को किसी दूसरी चीज़ से तशबीह देकर दूसरी चीज़ की अजमत घटा देते हैं, या इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं कि जो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो ये सब इल्म की कमी की वजह से होता है कि जिनको शरीयत का अकायद का इल्म नहीं होता वो नात लिखने में या तो आगे बढ़ते हैं तो शिर्क करते हैं, या पीछे हटते हैं तो तोहीन करते हैं। तो बेहतर यही है उन नात खां के लिए कि जिनको शायरी नहीं आती, शायरी की टांग तोड़ने से बढ़िया ये है कि आला हज़रत के कलाम, बुज़ुर्गान दीन के कलाम पढ़े जाएं, उनकी नात पाक पढ़ी जाए। जो शायरी लिखने का अहल नहीं है वो शायरी ना करे। और आजकल ऐसा भी एक रूल एक मंजर आम पर है कि आजकल हर चीज़ को शायरी का ही नाम दे दिया जाता है। मसलन किसी ने कुछ बातें लिखी, वो बातें बज़ाहिर देखने में पढ़ने में तो एक दुआई कलिमात लगते हैं लेकिन वो शायरी नहीं होती, लेकिन लोग उसको शायरी समझ रहे होते हैं। बाज़ ऐसे कलाम मेरे पास आए हैं, ख़ुद मैंने उसको देखा कि वो हमद थी लेकिन हमद बारी ताला वो सुनने में पढ़ने में तो अल्लाह तबारक व ताला की हमद लग रही थी, लेकिन शायरी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से मालूम चल रहा था कि जिसने भी लिखी है वो इसका अहल नहीं है, यानी उसको शायरी नहीं आती। लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये फ़न ऐसा है जो खुद ब खुद माँ के पेट से आ जाता है, या फिर हम आला हज़रत वाले हैं सुन्नी हैं तो हमारी ज़ात में ये चीज़ घुली हुई है कि हम शायरी कर सकेंगे। ऐसा नहीं है। जिस तरह से दीगर उलूम भी सीखने पड़ते हैं इसी तरह शायरी भी एक मुकम्मल फ़न है, एक इल्म है। बाकायदा इसके भी कायदे कानून रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको सीखना चाहिए, जिसमें कमी बेशी होती है। तो आम आदमी तो इसको नहीं पकड़ पाता, लेकिन जो लोग शायरी के इल्म से वाकिफ़ होते हैं उनको ये गलतियाँ बिल्कुल साफ़ नज़र आती हैं कि ये शायरी के अतबार से गलत है। बहरहाल अगर शायरी के अतबार से गलत हो भी तो उसमें शरीयत का कोई हुक्म नहीं है, मगर उसको भी शायरी नहीं कहेंगे। वो अपनी दिल की झूठी तसल्ली ज़रूर है कि हमने शायरी लिखी है, हमद लिखी, और उसका शायरी से दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। मगर इसमें जो मसला यानी खौफ का है ईमान जाने का, वो मैंने बयान कर दिया कि हर नाअहल को इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे शायर का कलाम लेकर उसे चुरा कर और अपने नाम उसमें ऐड करके इस तरह से मुसलमानों को धोखा भी नहीं देना चाहिए। पत्थर में असर